हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं डिसऑर्डर ऑफ ब्लड की डिसऑर्डर ऑफ ब्लड में हम जो डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में वो हम डिसऑर्डर ऑफ आरबीसी को डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर ऑफ डब्ल्यूबीसी को डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर ऑफ प्लेटलेट्स को डिस्कस करेंगे और डिसऑर्डर ऑफ क्लॉटिंग ये चार डिसऑर्डर को हम डिस्कस करने वाले हैं तो आइए सबसे पहले बात करते हैं डिसऑर्डर ऑफ आर की डिसऑर्डर ऑफ आर में आप ये बोल सकते हैं कि या तो आर काउंट कम हो जाएगा या तो आर काउंट बढ़ जाएगा तो कंडीशन इन विच द आर काउंट डिक्रीजेस इट इज एनेमिया तो एनेमिया में क्या होता है देर इज ए ड्रीज इन आर बी सी काउंट और यू कैन से देट देर इज ए डेफिशेंसी ऑफ हीमोगबिन ठीक है और सेकेंड जो डिसीज है उसको हम बोलेंगे पॉलीसाइथेमिया पॉलीसाइथेमिया में देर इज ए इंक्रीज इन आर बी सी काउंट आर बी सी काउंट बढ़ जाता है ठीक है तो अब बात करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे एनेमिया की एनेमिया में व्हाट इज एनेमिया तो एनेमिया व्हेन देर इज ए डिक्रीज इन आरबीसी काउंट और डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन कंटेंट दोनों में से कुछ भी हो रिजल्ट सेम होगा कि देर इज ए डिक्रीज इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है पर्सन की वो कम हो जाती है ठीक है अब इसके टाइप्स तो एनीमिया के जो टाइप्स है पहला टाइप है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी एनेमिया सेकेंड टाइप है इसका परनिशियस एनेमिया फर्नीशियस एनीमिया थर्ड जो टाइप है वो है सिकल सेल एनीमिया फोर्थ जो इसका टाइप है वो है अप्लास्टिक एनेमिया एंड एन फिफ्थ जो इसका टाइप है वो है हीमोलाइटिक एनीमिया एनेमिया तो ये सभी एनेमिया के टाइप्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे पहले टाइप की जो है आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ओके तो फर्स्ट वन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इट इज मेनली कॉज्ड बाय लैक ऑफ डाइटरी आयरन है ना अगर खाने में आयरन की कमी हो जाए ठीक या ऐसा खाना खा रहे जिसमें आयरन कम है तो बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है और यही जो है आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कॉज करता है अब ये आयरन की कमी से क्या होगा तो नॉट इनफ आयरन टू फॉर्म सफिशियंट हीमोग्लोबिन ठीक है नहीं क्योंकि आयरन जो है वो एक हीमोग्लोबिन का इसेंशियल कंपोनेंट है अगर वही नहीं रहेगा तो हीमोग्लोबिन प्रॉपरली बन नहीं पाएगा ठीक है सेकेंड जो टाइप है एनीमिया का वो है आपका परनीशियस एनीमिया परनीशियस एनीमिया पर्नीशियस एनिमिया इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ द डेफिशेंसी ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व इसमें डेफिशंसी ऑफ वाइटामिन बी ट्वेल्व हो जाता है और वाइटामिन बी ट्वेल्व का जो सोर्स है वो सिर्फ एनिमल फूड है फिश मीट इन्हीं से मिलता है ठीक है अब ये जो आपका वाइटामिन बी ट्वेल्व जो है इट इज रिक्वायर्ड फॉर द मैच्यूरेशन ऑफ आर बी सी इसेंशियल फॉर मैच्योरेशन ऑफ आर तो अब इसके मैचुरेशन के लिए विटामिन बी ट्वेल्व रिक्वायर्ड है तो विटामिन बी ट्वेल्व के अपसेंस में आर बी सी मैच्योर नहीं हो पाएगा आर बी सी मैच्योर नहीं हो पाएगा तो कैसा आर बी सी बनेगा इमेच्योर तो फॉर्मेशन ऑफ इमेच्योर आरबीसी और इमेच्योर आरबीसी की जो खास बात होती है वो ये होती है कि वो जो है साइज में बड़ा होता है लार्ज इन साइज और साथ साथ पे वो फ्रेजाइल भी होता है अब लार्ज साइज होता है फ्रेजाइल होता है इसीलिए इस टाइप के आर को एक अलग से नाम मिला है जिसको बोलते हैं मेगालोब्लास्ट इसीलिए इस टाइप के एनीमिया को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी बोलते हैं ठीक है थर्ड जो टाइप है वो है आपका सिकल सेल एनीमिया सेल एनीमिया जो है इट इज़ ए जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ हीमोग्लोबिन ये याद रखिएगा आप जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ हीमोग्लोबिन ठीक है इसमें मेजरली होता क्या है कि देर इज ए चेंज इन आर बी सी शेप तो आर बी सी शेप चेंजेस और वो कैसा बन जाता है वो बन जाता है आपका सिकल शेप सिकल शेप आर बी सी इस फॉर्म और ये जो सिकल शेप आर बी सी है ये आपका इट क्लॉग दी कैपिलरीज और इसकी वजह से कैपिलरीज जो है वो रपच्चर होने लगती है और इंटरनल ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है ठीक है इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है आपका फोर्थ टाइप इसको हम बोलेंगे अप्लास्टिक एनेमिया अप्लास्टिक एनेमिया में जो है देर इज ए सप्रेशन ऑफ रेड बोन मैरो है ना रेड बोन मैरो इज अ साइट वेयर द आरबीसी गेटिंग सिंथेसाइज है ना आरबीसी बनता है रेड बोन मैरो में अब अगर रेड बोन मैरो सप्रेस हो गया तो बोलने का मतलब है कि रेड बोन मैरो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा अब रेड बोन मेरो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है सो देर इज ए डिक्रीज इन आर बी सी प्रोडक्शन डिक्रीज इन डब्ल्यू बी सी प्रोडक्शन एंड डिक्रीज इन प्लेटलेट प्रोडक्शन ये सभी का प्रोडक्शन जो है ये डिक्रीज हो जाएगा तो अल्टीमेटली एनीमिया डेवलप हो जाएगा अब ये सप्रेशन ऑफ जो बोन मैरो है इट इज़ कॉज्ड बाय ये क्यों हो रहा है ड्यू टू द एक्सपोजर टू रेडिएशन रेडिएशन के कांटेक्ट्स में आने से और कुछ केमिकल्स के कारण जैसे आपका है बेंजीन ये जो है आपके कॉजेज है सप्रेशन ऑफ बोन मैरो के अब उसके बाद जो आखिरी वाला टाइप है वो है आपका हीमोलाइटिक एनीमिया हीमोलाइटिक एनीमिया में जो है इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि इसमें आर का ब्रेक डाउन हो रहा है लेकिन जो ख़ास बात है वो ये रहेगी कि आर बी रप्चर तो हो रहा है लेकिन बिफोर एंड ऑफ देयर लाइफ स्पैन एक सौ बीस दिन का लाइफ स्पैन पूरा किए बिना ही आर बी सी जो है वो रक्चर हो जा रहा है तो एनी डिसऑर्डर दैट कॉज रक्चर ऑफ आर बी सी बिफोर एंड ऑफ लाइफ ठीक ये इसका कॉज हो गया इसमें जनरली जॉन्डिस देखा जाता है जो जिस भी पर्सन को हीमोलाइटिक एनीमिया होता है उसको जॉन्डिस भी रहता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ बिलीरुबिन बिलीरुबिन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है जिसकी वजह से जनरली हीमोलाइटिक एनीमिया पेशेंट में जॉन्डिस देख देखा जाना कॉमन है ठीक है सिकल अब जैसे किस किस में हो सकता है क्योंकि हीमोलैटिक तो सभी में हो रहा है मतलब किसी भी टाइप का एनीमिया ले लो आपको आर का रपचड़ तो मिल ही रहा है है ना तो सिकल सेल एनीमिया या आर एच डिसीज़ जो कि किस में होती है न्यू बॉर्न बेबीज में होती है तो इसमें आपको हीमोलाइटिक एनीमिया देखने को मिल जाएगा जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ले लो तो मलेरिया मलेरिया में जो प्रोटोजुआ होते हैं मलेरिया के वो आर को डिस्ट्रॉय करते हैं तो उसकी वजह से हीमोलाइटिक एनीमिया देखने को मिल जाता है ठीक है अब उसके बाद लास्ट जो हमारा सेकेंड वाला टाइप है जो हम बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया पॉलीसाइथेमिया एनीमिया में डिक्रीज इन आर बी सी काउंट और पॉलिसाइथेमिया में इंक्रीज इन आर बी सी काउंट इंक्रीज इन आर बी सी काउंट वो जो कि एबनॉर्मल होता है ठीक है तो एबनॉर्मल इंक्रीज इन आर बी सी काउंट इज कॉल्ड एज पॉलीसाइथेमिया अब आर बी सी काउंट अगर बढ़ जाएगा तो ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी तो देर इज ए इंक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड और इसी बढ़ती हुई विस्कोसिटी की वजह से क्या होगा कि देर इज ए डिक्रीज़ इन रेट ऑफ फ्लो ब्लड जो है बराबर फ्लो नहीं होगा और इंक्रीज़ हो जाती है रिस्क इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग की तो इंक्रीज़ रिस्क ऑफ इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग मतलब कि ब्लड वेसल के अंदर ही जो है ब्लड का क्लॉट होना स्टार्ट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग